अगर वो भेड़िया हम बस्ती वालों में से कोई एक है तो खतरा और भी बढ़ जाता है। हम में से कोई नहीं जानता कि मौत किसके बगल में खड़ी है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो रघु। रघु, हमें पहले घर के आसपास ढूंढना चाहिए, वो भेड़िया यहीं कहीं ना मौजूद हो। चलो उसको, वो भाग गया। वो राजेश वरुण को देखकर भागा, मतलब ये राजेश ही वो भेड़िया है। राजेश ही वो भेड़िया, राजेश ही वो भेड़िया है। पकड़ो पकड़ो उसे, नीचे करो उसका। राजेश पहले मोहन के घर चुका और उसके बाद हमें देखकर क्यों भागा, इसका मतलब है कि राजेश ही है वेयरवुल्फ। तो चलो, देर किस बात की है, खत्म कर देते उसे, तोड़ देते हैं दरवाजा। नहीं, दरवाजा तोड़ के अंदर जाना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अरे वो तो उसी ताक में बैठा है कि हम कब अंदर जाए। तो क्या करें, छोड़ दे इस खूनी को कि और खून कर सके। नहीं, हमें पीछे के रास्ते से अंदर जाना चाहिए ताकि उसे संभलने का मौका ही ना मिले। मेरे ख्याल से वरुण बिल्कुल ठीक कह रहा है। एक काम करो, तुम यहां खड़े रहकर लगातार दरवाजा नॉक करते रहो। तुम दोनों इधर से जाओ, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, ऐसे कैसे बख्श दो। बता क्यों चुप रहा था तू कल, बता कौन है भेड़िया? अरुण, अरुण क्या कर रहा है? यकीन कीजिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बता क्या चाहता था तूने?
मैं मोहन के घर के पीछे वाले रास्ते से जा रहा था, अचानक गीता की चीख सुनी और मैं बहुत डर गया और डर के मैं पेड़ के पीछे छुप गया। तभी मैंने उस भेड़िए को बाहर आते देखा, उसके मुंह पर बहुत सारा खून लगा था। उसके बाद जो मैंने देखा वो देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। जब मुझे होश आया तो मैं देखा आप मेरी तरफ आ रहे थे। ऐसा लगा जैसे मेरी मौत आ रही हो, इसलिए मैं डर कर वहां से भागा। लेकिन आप मुझे मारना नहीं, मुझे मारना नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा। बताएगा तो तू तब जब तू जिंदा बचेगा। तुझे न मारने का खतरा मैं मोल नहीं ले सकता। Thank you.